हेलो। हेलो हाँ जी। भैया, मैंने ये महावीर हॉस्पिटल के सामने ये हाँ जी पर्चा हाँ जी मिला, मुझे क्या हाँ करना जी। है इसका? भैया, आपको क्या प्रॉब्लम थी? मुझे शुगर है। दिन शुगर है। आप कितना पानी पीते हैं? में मैं पी लेती हूँ 7-8 लीटर से ज्यादा पी लेती हूँ। अच्छा, तो आपका वेट कितना है? वेट मेरा 65, एज 38। और शुगर कब से है? अटैक अभी 6 महीने हुए हैं जब पता चला था अटैक पड़ा था, जब पड़ा था मतलब? शुगर का अटैक पड़ा था मुझे, मेरी तो क्या हुआ था? उंगलियां जो है मुड़ने लग गई थी और मेरी नसें इतना फड़क रही थी कि बहुत बुरी तरीके से। फिर डॉक्टर के पास लेके गए तो संजय गांधी ने बताया 650 से ऊपर शुगर है आपको। फिर क्या किया आपने? दवाई ली? हाँ, फिर दवाई उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगाया, उसके 2 घंटे बाद बड़ी मुश्किल से कंट्रोल में हुए थे, तो कितना शुगर हो गया थोड़ी देर बाद, 2 घंटे बाद? 200 के आसपास आ गया था। हाँ, मैंने तो अभी आप दवाई लेते हैं दवाई शुरू किया, अभी तो क्या अभी शुगर ठीक रहती है? शुगर ठीक नहीं रहती, मतलब ज्यादा हो जाती है मेरे तो 300 पहुंच जाती है, कभी 350, 400 ऐसे हो जाती है। ओके। चाय कितनी पीते हैं आप? चाय पी लेती हूँ मैं 4-5 बार। उसके अलावा क्या लिक्विड में लेते हैं? चाय तो मैं 3-4 पी लेती हूँ, सुबह पी ली खाली पेट 1 कप पी ली, फिर उसके बाद में दोबारा नाश्ते के साथ आधा या 1 कप पी ली, फिर बाई चांस दिन में 1 या 2 चाय हो जाती है, इससे ज्यादा नहीं होगी, शाम के टाइम होती है बस। नहीं लिक्विड में मेरे ना, ये लिक्विड के अंदर जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सब नहीं पीती हूँ, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं पीती हूँ, जूस वगैरह भी मैं नहीं पीती हूँ, बहुत कोल्ड रेयर पीती हूँ। कोल्ड ड्रिंक और जूस नहीं लेते आप? हाँ, मैं कोल्ड ड्रिंक जूस नहीं पीती हूँ, लस्सी? लस्सी भी नहीं पीती हूँ, कम पीती हूँ, मतलब वैसी खट्टी वाली जो लस्सी होती है ना हाँ जी। तो वो पीती हूँ, वैसे नहीं पीती, मीठी वाली लस्सी जैसे खट्टी बनाते हैं। वाली कितने, मतलब रेगुलर पीते हैं या बहुत कम? नहीं, तो वो भी कम पीती हूँ मैं, मतलब हफ्ते हफ्ते में कितनी बार होता है? अच्छा, हफ्ते में पी लेती 2-3 बार। 3 बार ही। और फ्रूट वगैरह कितने खाते हैं? फ्रूट वगैरह खा लेती हूँ मैं, ज्यादा नहीं खाती हूँ, जैसे पहले पहले ज्यादा खाते थे? भी नहीं खाती थी इतना कुछ, पानी? यानी रोटी सब्जी, मैं ज्यादातर रोटी सब्जी प्लेन खाना पसंद करती हूँ, जैसे घी वगैरह दूध वगैरह मैं बहुत कम लेती हूँ, मैं लेती नहीं हूँ घी वगैरह तो ये पानी पहले भी इतना ही पीते थे, 7-8 लीटर? है। पानी आपने बताया ना, 7-8 लीटर पी लेते हैं आप। हाँ, ये मैं शुरू से ही पीती हूँ पानी से ज्यादा, सुबह उठकर कितना पानी पीते हैं आप? सुबह उठ के कभी पी लेती हूँ कभी नहीं पीती हूँ, कितना पीते हैं जब पीते हैं तो? 1 गिलास या ज्यादा पीते हैं? एक ग्लास पी लेती हूँ, 1.5 ग्लास तो पी लेती हूँ। देखिए, आपको 5 दिन के लिए, आप शुगर घर पर देखते हैं या हॉस्पिटल में ही चेक करते हैं? नहीं, हॉस्पिटल में चेक कर लेती हूँ, नहीं तो बाहर चेक करा लेती हूँ मैं। अच्छा, आपको क्या करना है, 4 या 5 दिन तक आपको पानी खाने के साथ में 1 गिलास लेना है। आप खाने के साथ पानी पीते हैं या वैसे पीते हैं? खाना खाने के बाद पानी पीती मैं, कितनी देर बाद? अच्छा, खाना खा लिया फिर तुरंत ही पी लेती मैं। तो आपको अंदाजा है 7-8 लीटर कितना होता है? 7-8 लीटर तो बहुत ज्यादा होता है पानी। 1 बॉटल लीटर की में 2.5 ग्लास पानी होता है, स्टील 1 लीटर में 2.5 गिलास स्टील वाला ग्लास? वाला ग्लास। हाँ जी। हाँ तो मतलब 7-8 लीटर हो जाता है पूरे दिन में आपका? देखो, हाँ मैं 1 घंटे में 2 लीटर की बॉटल खत्म कर देती हूँ। पानी आपको पानी बंद करना पड़ेगा। बंद करना पड़ेगा, हाँ जी, आप सुबह भी पानी मत पीजिए और चाय भी बंद करना पड़ेगा। और पानी आपको 4 दिन के लिए सिर्फ खाने के साथ में 1 गिलास पानी पीना है। खाने के साथ में। खाना शुरू करते हुए 1 गिलास पानी रख लीजिए। और पानी के पानी मतलब थोड़ा थोड़ा करके, जैसे आधी रोटी खा ली, थोड़ा सा एक घूंट पानी ले लिया, इस तरीके से करके खाने के साथ साथ पानी खत्म कर देना है। ठीक है, और 3 गिलास पानी हो गया पूरे दिन में, 3 बार ही खाना खाइए, 3 गिलास पानी पी लीजिए, चाय वगैरह बंद, सारा लिक्विड बंद। तो टोटल दिन में 600 ml पानी हो जाएगा। 200 200 वाली ग्लास भी शीशे का छोटा वाला लीजिए, स्टील का नहीं। तो अगर स्टील का अच्छा लेते हैं तो 2/3 ले लीजिए। अच्छा
तो उससे क्या होता है, बेसिकली शुगर जो आपको होती है उसका कारण ये होता है कि आपके जो सेल्स होते हैं उन सेल्स में पानी ज्यादा हो जाता है और शुगर कम हो जाती है। से अच्छा मतलब जो बेसिक प्रॉब्लम होती है ना, आपने क्या पढ़ाई लिखाई में क्या किया हुआ, साइंस पे किया हुआ है, कैसे किया हुआ है? नहीं, मैं एजुकेशन मेरी ज्यादा नहीं है। तो फिर जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे समझना चाहते हैं या पूरा डिटेल बताऊँ? देखो नहीं, आप बताइए, जैसे आप कह रहे हो मेरे को समझ आ रहा है। जब हम खाने के साथ में जैसे आधा गिलास पानी पिया हमने 200 ml के करीब, आधा या 2/3, तो वो खाने के साथ में मिक्स हो जाता है और वो सिंगल एक पेस्ट बन जाती है। तो वो अच्छा पेस्ट हमारे पेट में से होते हुए छोटी आंत में जाती है। तो छोटी आंत में उस खाने के अंदर जितनी भी शुगर होती है और जितने भी मिनरल्स होते हैं और जितना भी उसमें फैट ऑयल होता है या प्रोटीन होता है, वो सारा का सारा छोटी आंत में एब्जॉर्ब होता है। तो वो एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड में जाता है। तो अगर आप खाने के साथ 3 गिलास पानी पियेंगे तो आपका खाना बहुत पतला हो जाएगा और वो तेजी से निकल जाएगा, तो आपके शरीर में लगेगा कम। ठीक है, अब आप खाने के साथ में अगर कम पानी लेते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके ब्लड में जाएगा, आपका ब्लड बढ़ेगा। जब आपका ब्लड बढ़ेगा तो शुगर अपने आप से कम हो जाएगी। उसका मैं आपको वैसे समझा देता हूँ क्या कंसेप्ट है। आप मान लीजिए 1 गिलास पानी है, उसमें आपने 1 चम्मच नमक डाल दिया। तो नमक डालने के बाद आपने उसको चख के देखा तो आपको नमक ज्यादा लग रहा है। अगर आपको ज्यादा लग रहा है नमक कम करना है तो एक काम क्या करेंगे, आप पानी और डाल देंगे तो नमक कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जब आपके ब्लड में पानी एब्जॉर्ब होगा तो ब्लड बढ़ेगा तो अपने आप से शुगर कम होगी। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, जब आप ज्यादा पानी बार बार पानी पीते हैं, जैसे आप बोल रहे हैं 1 घंटे में 2 लीटर पानी पी लेते हैं, तो वो जो जी पानी होता है वो छोटी आंत में, क्योंकि जब हम खाली पानी पीते हैं तो एसिड नहीं बनता पेट में, तो वो पानी सीधा बड़ी आंत में चले जाता है। और बड़ी आंत हमारी जो होती है वो सिर्फ पानी को एब्जॉर्ब करती है और विटामिन को एब्जॉर्ब करती है, वो शुगर को एब्जॉर्ब नहीं करती है। ठीक जी है, अब क्या होता है कि जो बड़ी आंत से पानी जाता है वो ब्लड में नहीं जाता, वो हमारे सेल्स में जाने लगता है। हमारा जो सेल होता है ना बॉडी का, वो हमारे शरीर जी में एनर्जी बनाता है, ताकत बनाता है, जिससे कि हमारा दिमाग, हमारा हार्ट और हमारा लीवर और बाकी सब ऑर्गन काम करते हैं। तो जैसे जैसे हमारा पानी बढ़ता रहता है हमारे सेल्स में, तो उन सेल्स की एनर्जी बनाने की पावर कम होती रहती है। बेसिकली मेडिकल टर्म्स में डायबिटीज में कहते हैं कि हमारे सेल्स में ग्लूकोज नहीं पहुंच रहा, और उसके लिए जी वो इंसुलिन को जिम्मेदार ठहराते हैं। परंतु मोटा बात यह होती है कि अगर हमारे सेल्स में पानी बढ़ जाएगा तो ग्लूकोज अपने आप से कम हो जाएगा। अभी हमने कहा, देखा था ना, नमक को अगर हम नमक पानी में और पानी मिलाएंगे तो नमक कम हो जाता है। जी आपके सेल्स में शुगर है, ग्लूकोज है, और अगर उसमें पानी बढ़ गया तो ग्लूकोज कम हो जाएगी, तो आप में कमजोरी आने लगेगी, ताकत नहीं होगी। अगर आपका कमजोरी आएगी, ताकत नहीं होगी, तो आपके जो हार्ट को फंक्शनिंग है उसको एनर्जी चाहिए हार्ट को ठीक से पंप करने के लिए, तो एनर्जी नहीं होगी तो हार्ट अटैक होगा। तो हमारा शरीर क्या करता है, ग्लूकोज को बढ़ा देता है, ब्लड की ग्लूकोज बढ़ाता है ताकि सेल्स में ज्यादा से ज्यादा दे पाए। आप जितनी दवाई लेंगे आपका शुगर और बढ़ती जाएगी। आपको अगर खाने के साथ पानी लेंगे तो क्या होगा कि बाकी और पानी बंद कर देंगे तो आपके सेल्स में पानी जाना बंद हो जाएगा। सेल्स में पानी नहीं जाएगा तो सेल्स का पानी धीरे धीरे कम होगा, तो उसमें शुगर जो है वो बढ़नी शुरू होगी, तो आपकी ताकत बढ़ेगी। और दूसरी तरफ से आपके ब्लड में पानी जा रहा है तो उससे आपका ब्लड बढ़ रहा है तो उससे आपकी शुगर कम हो रही है। तो आप 4 या 5 दिन करते हैं तो आपकी शुगर करीब करीब नॉर्मल के आसपास पहुंच जाती है। फिर उसके मैं बाद चार में, पांच दिन फिर करके देख लेती हूँ मैं। हाँ जी, और उसके बाद आप अगर बताइए, बाद में जैसे खाना खाने के बाद अगर हम पानी पी लेते हैं, उसके बाद अगर हमें प्यास लगती है तो पूरे दिन भर में नहीं पिए पानी फिर? देखिए आपको प्यास क्यों लगती है, जैसे एक आम आदमी है, हर एक का प्यास लगने का सिस्टम अलग अलग होता है। हाँ उसका ठीक है, कारण यही होता है कि आपके जो सेल्स हैं उसमें ग्लूकोज नहीं है, उसमें जो मिनरल्स चाहिए वो नहीं है। तो क्या होता है, वो ब्लड का काम होता है सप्लाई करना। तो जब जैसे ही आपका ब्लड में थोड़ा सा भी लिक्विड आता है ना, वो इमिडिएटली सेल्स में ग्लूकोज पहुंचाने के लिए लग जाता है, तो आपका ब्लड कम हो जाता है। जब ब्लड की, जिनको डायबिटीज होती है ना, जो ओल्ड एज हो जाती है और जिनको डायबिटीज बहुत ज्यादा रहती है,
उनका बाद में ब्लड कम होने लगता है, क्योंकि वो ब्लड के सांस के में जितना भी ग्लूकोज होता है वो सेल्स में जाता है, तो आप जितना पानी पियेंगे उतनी प्यास लगेगी। अब जैसे जैसे आप इस तरीके से पानी पिए, अगर आपने 4 या 5 दिन मैनेज करते हैं तो आपको प्यास लगनी बंद हो जाएगी 4 या 5 दिन में। अगर आपको प्यास लगे, जैसे अभी आपको आदत नहीं है, आप सोचते हैं आपको प्यास लगती है, फिर दिमाग में भी होता है, तो आप क्या करिए कि आप एक घूंट पानी पी लीजिए, एक घूंट से ज्यादा मत पीजिए। हाँ जी, मतलब एक घूंट वगैरह इसके अकॉर्डिंग पानी पिए, ज्यादा ना पिए। एक घूट पानी पीजिए और 15 मिनट में आपने एक ही घूट पीना है, तो आप 2-3 बारी पियेंगे तो आपको धीरे धीरे करके अपनी प्यास लगनी बंद हो जाएगी, 1 या 2 दिन में प्यास लगनी बंद हो जाएगी। तो अगर आपको लगता है कि आपको टाइम लगा प्यास को कम करने में, मैंने ये एक्सपेरिमेंट अभी से नहीं शुरू किया, ये 15 साल से कर रहा हूँ। मेरे पास ऐसे बहुत से व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, जैसे किसी को एसिडिटी हो गई, मैं आपको एसिडिटी का एक किसी लेडी का फोन आया था, तो उनको उन्होंने उसमें दिखा दिया, क्या बोलते हैं, गंगाराम में दिखाया, और उसके अलावा उन्होंने अपोलो में दिखाया, 3-4 डॉक्टरों को दिखाया, आयुर्वेद वगैरह सबको दिखा लिया, सारे टेस्ट करा लिए, 3-4 महीने हो गए, उनका चेस्ट पेन भी होता रहा, एसिडिटी भी होती रही, किसी से ठीक नहीं हुआ। तो ये वाला सिस्टम चलाया जो आपको बताया, क्योंकि इस चीज से सारी बीमारियां ठीक होती हैं, सिर्फ डायबिटीज नहीं, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोई भी बीमारी हो इसी से ठीक हो जाती है, क्योंकि आपके बॉडी का जो बैलेंस होता है इससे वो क्रिएट हो जाता है। अच्छा, दूसरा क्या करना है आपको, आपके पास अगर टाइम हो तो आप सुबह उठकर 5 मिनट चले और 5 मिनट के लिए लेट जाइए, और इसको रिपीट करिए कम से कम आधा घंटा। आधा घंटा 5 मिनट चलना, 5 मिनट लेटना। हाँ जी, एक बार में 5 मिनट से ज्यादा नहीं चलना। तो कहाँ पे, घर पे? घर पर, अंदर ही, अंदर ही, अंदर ही चलो घर के। अच्छा, पर अगर आप रसोई में काम कर रहे हैं, खड़े हैं, तो उसको चलने में काउंट मत कर लेना। जब चलना है इस काम के लिए तो सिर्फ चलिए और लेटिए, ठीक है? तो आधा घंटा सुबह करिए, आधा घंटा सोने से पहले करिए। और इसके अलावा दिन में जब कभी टाइम मिले तो 5 मिनट, मतलब आधा आधा घंटा एक दो बार और कर लीजिए, तो 4 बार अगर आधा आधा घंटा करेंगे तो एक तो आपके ताकत बढ़ेगी, और दूसरा आपका वेट भी हो सकता है, महीने में अगर आप रोज का 2 घंटे निकाल लेते हैं तो आपका वेट करीब करीब 1 से 2 किलो हर महीने गिरना शुरू हो जाएगा। गिरना शुरू हो जाएगा? हाँ जी, 1 से 2 किलो, जो कि एकदम हेल्दी तरीका है। इससे अगर जैसे डायबिटीज जिनको होते हैं ना, उनका वेट कई बार एकदम धड़ाम से गिर जाता है, वो नुकसानदायक होता है। अच्छा, तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपको खांसी जुकाम, मतलब ये वाला फार्मूला ऐसा है कि आपको जिंदगी में कभी खांसी जुकाम बुखार नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो इसको करिए, और मैं आपको ना, आप जैसे हर दूसरे दिन आपको, या जब आपको लगे कि आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ये जो खाने पानी पीने का बताया, सिर्फ 4 से 5 दिन करना है, फिर एक बार बात करके फिर उसके आगे का बता देता हूँ। ठीक है सर, मैं आपको कॉल करती रहूँगी। हाँ जी, तो आप बताते रहिएगा कि कैसे हो रहा है, और जब भी आप शुगर का चेक कराएं तो बता दीजिए कितनी निकल रही है, और कोशिश करिए दवाई को, और कोशिश करिए दवाई को जितनी जल्दी बंद कर सके बंद कर दीजिए, क्योंकि दवाई का नुकसान होता है। दवाई क्या करती है कि आपके सेल्स में शुगर कम है, आप ब्लड शुगर को भी कम कर देती है, तो आपको कमजोरी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। आप जैसे जैसे दवाई खाते हैं, कब्ज वगैरह रहती हो वो? कब्ज के लिए दुनिया का सबसे अच्छा इलाज है 5 मिनट चलना, 5 मिनट लेटना। जब आप ये शुरू करेंगे आपको कब्ज बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अच्छा, हाँ, कब्ज के लिए, पेट की कोई भी बीमारी हो उसके लिए इससे बढ़िया कोई इलाज नहीं है। अच्छा, ये मेरे, जैसे मेरे को शुगर है ना, तो मेरी पिंगलियों में बहुत दर्द होता है। पिंगलियों के लिए दर्द का, मैं, आप व्हाट्सएप यूज करते हैं आप? हाँ, मैं व्हाट्सएप यूज करती हूँ, मैं अपना नंबर दे देती हूँ, आप उस पर बता दीजिए। मैं नहीं बताने का, व्हाट्सएप के ऊपर मैं एक वीडियो भेजूंगा, तो उस वीडियो को देखकर एक छोटा सा एक्सरसाइज है वो भी साथ में करिए, और चलने वाला भी करिए। चलने वाले से तो आपकी दर्द थोड़ी सी बढ़ेगी, पर आपको साथ में एक एक्सरसाइज और बता देता, वो करने से आपकी ये जो पिंगलियों की दर्द एकदम खत्म हो जाएगी। आप बता दीजिए, मैं नंबर दे दी हूँ आपको, लिखिए आप नंबर। नंबर बताएंगे या कॉल कर दीजिए उस नंबर से। ठीक है, मैं कर देती हूँ, अभी कर देती हूँ। मनी राठी।